हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी शिखा। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ मात्र 3 इंग्रेडिएंट के साथ कपकेक बनाना बताऊंगी। इसे आप इजीली अपने घर पर बना सकते हैं और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्पॉन्जी बन रहा है। तो चलिए आज इस कपकेक की रेसिपी को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आज की मेरी ये वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा। और कैसे लगी मेरी आज की ये वीडियो मुझे नीचे कमेंट्स करके बताइएगा। और आप चाहे तो फैमिली फ्रेंड के साथ मेरे इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस कपकेक को बनाने के लिए हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं हाइड एंड सीक बिस्किट। तो पूरा एक पैकेट बिस्किट का यूज हम यहाँ पर कर रहे हैं। आप किसी भी चॉकलेट फ्लेवर का बिस्किट यहाँ पर ले सकते हैं या आप कोई भी बिस्किट ले सकते हैं। तो इसे एक जार में हम निकाल लेंगे और तोड़ करके इसे 1 मिनट के लिए हम ग्राइंड होने के लिए छोड़ेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं पाउडर रेडी हो चुका है। तो इसमें हम ऐड करेंगे 1/3 कप दूध और फिर से इसे 30 सेकेंड के लिए हम ग्राइंड करेंगे। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। तो इसे बहुत अच्छे से ग्राइंड करना है ताकि कोई भी बिस्किट का टुकड़ा इसमें ना रह जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 छोटे चम्मच से बेकिंग पाउडर और सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। एंड इसमें फिर से हम ऐड कर रहे हैं 1 चम्मच दूध और अच्छे से इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा बैटर रेडी हो चुका है। तो बिल्कुल ऐसी ही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं पेपर कप जिसमें हम चाय या कॉफ़ी पीते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इस चाय पीने वाले कप में भी इसे बना सकते हैं। और इस पर हम तेल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और इसे हम 3/4 तक फिल करेंगे। तो अच्छे से बैटर को हम कप में डालकर इसे अच्छे से फिल करेंगे। फिल करने के बाद हमें इस तरह से इसे सेट कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर एक कढ़ाई में हम स्टैंड डालकर 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे हम इसे प्रीहीट होने के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद हम अपने कप को इसमें अच्छे से डाल देंगे। तो सावधानी पूर्वक डालें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। उसके बाद इसे कम्प्लीटली अच्छे से ढक देंगे ढक्कन से। और जो ये मेरा छोटा सा एरिया जो ओपन था इसमें भी मैं कागज़ डालकर अच्छे से कवर कर दे रही हूँ। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे जो केक है वो हमारा फूलना शुरू हो गया और कितना ज़्यादा ऊपर तक आ रहा है। मीन्स हमारा ये केक जो है बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी बन रहा है। तो 15 मिनट के बाद हम इसे अच्छे से चेक कर लेंगे। तो आप टूथपिक या फिर चाकू की मदद से चेक कर सकते हैं। तो देख सकते हैं मेरा जो चाकू है बिल्कुल क्लीन निकला है। मीन्स हमारा ये कपकेक बनकर रेडी हो चुका है। तो इसे हम ठंडा होने के बाद इसे अच्छे से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ये ठंडा हो चुका है तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा ये जो कपकेक है बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी बना है। तो आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं या फिर इसे थोड़ा सा डेकोरेट करके खाएंगे। तो अब हम इसे कट करके आपको दिखला देते हैं। तो कट करने के बाद भी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। तो आप इस कपकेक की रेसिपी को एक बार अपने घर पर ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है मेरी आज की ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा और मुझे नीचे कॉमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और आप अपने फैमिली फ्रेंड के साथ भी मेरे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो अब हम इसे थोड़ा सा डेकोरेट भी कर लेते हैं। तो जो सेम बिस्किट का पैकेट था उसी से मैं इसे थोड़ा सा कट करके इस तरह से डेकोरेट करूंगी।
तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डेकोरेट कर ले रही हूँ। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।